गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के पार्ट वन की बात की थी जिसमें हम लोगों ने क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी तक डिस्कशन कर लिया था आज हम लोगों को उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है मीट नेक्स्ट फैक्टर्स पर स्टडी करेंगे जिस फैक्टर्स का नाम है इफेक्ट ऑफ हीट इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है हमें ये समझना है मीस अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट अप्लाई कर दें किसी भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर दें तो उस केस में उस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बात समझना है हालांकि हालाँकि जीरोथ्ला अगर आप लोगों को याद हो तो जीरो थ्ला के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉडी किसी दो अलग अलग बॉडी के साथ थर्मल इक्विब्रियम में है तो वो दोनों डिफरेंट बॉडी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विब्रियम में होंगी ये हम लोगों ने जीरोथ्लाफ थर्मोडाइनो के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया था सेम केस अब क्या है अगर मान लो कोई एक सिस्टम है जैसे मान लो ये सिस्टम है हमने इसको क्या किया आउटर से एनर्जी दे दी जब हम इसको आउटर से एनर्जी देंगे तो क्या होगा है ना तो एक चीज़ समझ लो हमें उसी को समझना है इफेक्ट ऑफ हीट जो इफेक्ट ऑफ हीट है जब हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें दो तरीके की वर्किंग हो जाती है क्या एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है पहला पॉइंट या उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाएगी मिस कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी सिस्टम्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके दो फैक्टर्स में स्टडी चेंजिंग हो जाती है कौन सा एक एंट्रोफी और दूसरा टेम्परेचर सिंपल सी बात है कॉमन बात है ये तो कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर देंगे किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा सिंपल है लेकिन अब एंट्रोफी क्या है है ना हमने अभी क्या बोला अगर हम लोग किसी भी सिस्टम्स को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके दो फैक्टर्स में चेंजिंग हो जाती है क्या एक तो उसका टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाएगी दूसरा उसकी एंट्रोफी में भी चेंजिंग हो जाएगी अभी एंट्रोफी क्या है एंट्रोपी का मतलब है अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोलेंगे टू मेजर द रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम किसी भी सिस्टम के रेंडमनेस प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के प्रोसीजर को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं अब हालांकि ये एंट्रोपी कंसेप्ट बहुत लेंदी है हम लोग आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हम लोग जीरो थलॉ के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं सो so दैट हम लोग इसको जान लेंगे कि होता क्या है बाकी के इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हम लोग बाद में करेंगे तो देखो जरा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ एंट्रोपी का मतलब है रेंडमनेस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना मतलब जैसे मान लो हमने गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बात की तो हम लोग जानते हैं गैसेस के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड मीन्स अगर हम लोग उनके मूवमेंट की बात करें उनके वाइब्रेशन की बात करें उनकी रेंडमनेस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के पार्टिकल्स का एंट्रोपी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड सेम केस अगर हम लोग लिक्विड और गैसेस की बात लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड के पार्टिकल्स का एंट्रोपी ज़्यादा होगा है ना तो आप एक चीज समझ लो एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब जिसके पार्टिकल्स रैंडमनेस की प्रॉपर्टी को ज़्यादा शो करते हैं दैट इज कॉल्ड उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा ठीक है तो ये तो थी सिंपल सी इफेक्ट ऑफ हीट के केस में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे देखो अगर हम लोग इसी चीज को लिखना चाहे क्या लिखा मैंने इफेक्ट ऑफ हीट अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में हीट को अप्लाई कर देते हैं तो उस सिस्टम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा तो दो फैक्टर पर चेंजिंग होगी कौन सी कौन सी एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा एंट्रोपी पर गिवन टू एनी सब्सटेंस टू वर्क है ना अगर हम लोग किसी एक सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसमें दो वर्किंग होना शुरू हो जाती है दो चेंजिंग होना शुरू हो जाती है फर्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर और नेक्स्ट इंक्रीज इन एंट्रोपी इंक्रीज इन एंट्रोपी और हम लोग टेम्परेचर को डेल्टा टी लिखते हैं और एंट्रोपी को डेल्टा एस लिखते हैं ये बेसिकली एंट्रोफी चेंज और टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं इसलिए हमने डेल्टा लगाया तो इसी बात को अगर हम लोग एक सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या होगा कि जो डेल्टा क्यू है वो दो फैक्टर्स पर इफेक्ट डालता है कौन सा एक डेल्टा टी पर और दूसरा डेल्टा एस पर डेल्टा टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर इसी तरीके से हम लोग डेल्टा एस की बात करेंगे तो क्या बनेगा इंक्रीजमेंट ऑफ एंट्राफी ठीक है बेटा अब एक चीज हमेशा याद रखना जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम्स को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सॉरी जब भी हम किसी जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी लेकिन अगर कोई सिस्टम हीट एब्ज़र्व कर लेता है और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो फिर एंट्रोपी बढ़ेगी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा मीस इन दोनों का आपस में एक दूसरे क्रॉस है क्रॉस मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जर्व कर लेता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम्स का एंट्रोपी बढ़ गया उसके पार्टिकल्स रेंडोनियस पोजिशन को ज़्यादा शो कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल्स का एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गया उस सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गया सेम केस अगर कोई सिस्टम का एंट्रोपी कम होता है तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्रॉस हैं इसका मतलब ये हुआ एक दूसरे के अपोजिट है। मीस फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इफ़ डेल्टा टी इज़ हायर देन डेल्टा एस इज़ लोअर सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या डेल्टा एस इज़ हायर देन डेल्टा टी इज लोअर इस बात को आपको याद रखना है जैसे जैसा एक सिंपल लैंग्वेज मैंने बता दिया कि अगर कोई भी सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका टेम्परेचर नहीं पड़ता लेकिन वो हीट तो एब्जर्व करेगा ना जब हीट एब्जर्व करेगा तो इसका मतलब तो क्या हुआ उसके पार्टिकल्स मूव ज़्यादा करेंगे इट मीन उसका एंट्रॉफी बढ़ जाएगा सेम केस अगर एंट्रॉफी कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे डेल्टा एस इनवर्सली प्रपोर्सनल टू डेल्टा टी या हम लोग ऐसे भी लिख देंगे डेल्टा टी इनवर्सली प्रपोर्सनल टू डेल्टा एस ठीक बेटा इस फैक्टर्स को आपको याद रखना है अब एक चीज़ और याद रखना है क्या याद रखना है जब भी कोई भी सिस्टम का एंट्रॉफी इंक्रीज होता, होता है या डिक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर उस केस में उसका एक फैक्टर और काम करता है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स मीस अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है उसका एंट्रॉफी कम होगा है ना इसी तरीके से अगर पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो उसका एंट्रोफी क्या हो जाएगा उसका एंट्रॉफी ज़्यादा हो जाएगा ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है क्या बोला अगर डेल्टा टी का वैल्यू अगर डेल्टा टी का वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा किस पर डिपेंडेबल है एंट्रोपी के ऊपर अब ये एंट्रोपी किस पर डिपेंडेबल है अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर मीन्स जो एंट्रोफी है वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल है किसकी प्रोपोर्शनल बेटा डायरेक्टली प्रपोसनल किसके हैं फोर्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसी बात पर डिपेंडेबल होके हम लोग लिख सकते हैं इंटर मोलिकुलर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सिस्टम का एंट्रोफी कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि उसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है लेकिन इसी का उल्टा अगर किसी का एंट्रोफी ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ उसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स को कम शो कर रहे हैं लूजली बॉन्डेड है उस केस में हम लोग इस रिलेशन को शो कर सकते हैं अब इसी बात पर डिपेंडेबल होकर एक क्वेश्चन तो देखो बेटा इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे वी नोज दैट क्या लिख सकते हैं कि जो एंट्रॉफी होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रिपोर्सनल होगा टेम्परेचर के और जो एंट्रॉफी चेंज होगा डायरेक्टली प्रिपोर्सनल होगा डेल्टा एस के सेम केस जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी आपका क्या हो जाएगा इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रिपोजनल हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको एक चीज याद रखना है क्या याद रखना है बेटा कि अगर किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो उस केस में उसकी एंट्रोपी क्या होगी कम होगी भले ही हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें जब तक वो उसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर देगा जब तक उसको हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड ना कर दें तो उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर दे तब तक हम लोग उसको एंट्रोपी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे तो एंट्रोपी को इंक्रीज़ करने का एक ही रीज़न है कि हम उसमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देंगे तो जैसे जैसे हम लोग हीट को प्रोवाइड करते चले जाएंगे और उनकी इंट्रोमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी उस केस में डिपेंड करेगा उसका एंट्रोपी का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना हाँ तो कहने का मतलब क्या हुआ अगर कोई भी सिस्टम एंट्रोपी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर पाता है तो वो डिपेंडेबल किस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम या ज़्यादा किस पर डिपेंडेबल है ना मींस हमने क्या बोला जैसे मान लो एक सिस्टम है इसके पार्टिकल्स में हमने एनर्जी दी तो ये पार्टिकल्स अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करेंगे लेकिन कैसे कम करेंगे ये भी ना पॉइंट्स तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी मीन्स किसी भी सब्सटेंस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू होती है वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उसके या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू है या जो एंट्रोफी का सिस्टम एंट्रोफी चेंज करने का प्रोसीजर है वो डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी के ऊपर मिस सब्सटेंस कितनी एनर्जी को अपने में एबजर्व कर पाता है जितना ज़्यादा वो एनर्जी को एब्जर्व कर पाएगा उतनी उसकी हीट कैपैसिटी तो बस बात पर डिपेंडेबल हो कि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा है ना मान लो हमें ये बताना है कि कौन से सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है किसी भी मटेरियल को किसी भी एक फिक्स मटेरियल को हम लोग कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी उसकी एब्जर्विंग पावर हो है ना तो देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी। तो हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है देखो बेटा पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया आयरन तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया डायमंड और चौथा एग्जाम्पल हमने ले लिया एच टू ओ ठीक है बेटा तो इन सभी में हमें यह बताना है कि किसमें ज्यादा से ज्यादा हीट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी मीन किस में हीट कैपेबल किस सब्सटेंस में हीट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी डायरेक्टली डिपेंडेबल किस पर है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंडेबल है हीट कैपेसिटी तो देखो जरा ये जो एलमुनियम है ये जो एलमुनियम है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है मेटेलिक बॉन्ड काम कर रहा है है ना बेटा सेम केस अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं इस पर भी मेटेलिक बॉन्ड काम कर रहा है लेकिन डायमंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड काम कर रहा है और एच टू ओ के बीच में क्या काम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है तो देखो बेटा अगर हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं अगर हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगा मेटेलिक बॉन्ड में उसके बाद कोवेलेंट में उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड में और हमें निकालना क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका मतलब क्या हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का उल्टा है ना तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो एंट्रॉफी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एच टू ओ क्या हो गया बेटा एच टू ओ तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हो ओके okay? मीस क्या याद रखना है किस पर बेस्ड है एंट्रॉफी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे चलें अब इसी बेस पर यहां पर हम लोग दो केस और स्टडी करेंगे हम लिख लेते हैं आर टू एक्सट्रीम केसेस है ना कौन सा हमने सबसे पहले कंडीशन मान ली इफ डेल्टा एस इक्वल टू जीरो बेटा डेल्टा एस अगर जीरो है तो डेल्टा टी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा तो डेल्टा टी मैक्सिमम हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है है ना इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाना चाहें डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी तो यहाँ पर जो डे एस होगा वो किस पर डिपेंड बोल है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी पर तो देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं इसका मतलब क्या हुआ इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा सेम केस अगर हम लोग बात करते हैं इफ डेल्टा एस या आप ले लो डेल्टा टी है ना डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो तो फिर डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम है ना बेटा तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा डेल्टा क्यू इक्वल एम एस डेल्टा टी तो जो एस है वो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा टी इक्वल टू जीरो तो उस केस में जो एस का वैल्यू होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा इनफाइनाइट के बराबर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होता है तो जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ समझ सकते हैं लेकिन ये प्रोसीजर किस पर होगा फेज चेंज पर किस पर होगा बेटा फेज चेंज मतलब आप एक एग्जाम्पल मान के चल सकते हो फेज चेंज अगर फेस चेंज होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस गैस से वेपर ये सारी चीज़ें बनती हैं तो उस केस में उसके एंट्रोफी और उसके डेल्टा यू के ऊपर डेल्टा क्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा ठीक है बेटा तो चलो तो चलो हम लोग ये जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रिटॉशन होता है किसके ऊपर मास के ऊपर आई मीन जैसे जैसे हम लोग मास बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही उस सब्सटेंस का हीट को एब्जर्व करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो उसी फेस पर डिपेंडेबल होके हम लोगों को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ठीक है बेटा तो देखो जरा मैं इसको कर देता हूं क्या लिखा ड्यूरिंग फेज चेंज फेज चेंज जो डेल्टा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मास के और जब फेज चेंज होगा तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम इल टू एल के है ना अब यहाँ पर एल क्या है एल का मतलब है लेटेंट हीट अब आप बोलेंगे सर ये लेटेंट हीट क्या होता है है ना हाँ बेटा लेटेंट हीट का मतलब है किसी भी सिस्टम्स की छुपी हुई एनर्जी मीस वो एनर्जी जो उसमें एब्जर्व कर ली जाए जिससे सिस्टम के ऊपर कोई खास फर्क ना पड़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्यूरिंग फेस चेंज जब फेस चेंज होगा उस केस में अगर डेल्टा टी डेल्टा क्यों निकालना है तो फिर हम लोग फॉर्म लगाएंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल टू एल अब एल यहां पर क्या है लेट हीट अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं फॉर मैंने यहां पर लिखा फॉर फॉर वेपोराइजेशन वेपराइजेशन इसका मतलब क्या हुआ जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है बेटा तो जब हम लोग डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इल टू एल वी अब यहाँ पर वी क्या है वेयर आर एल वी इक्वल टू लेटेंट से लेटेंट यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो लेटेंट हीट ऑफ बेपोराइजेशन ठीक है बेटा सेम केस अगर हमने लिखा फॉर फ्यूजन अगर फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन मतलब सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देना है लिक्विड में तो उस केस में अब डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा एम इंटू एल एफ के है ना यहां पर एल एफ क्या है एल एफ आपका लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है बेटा तो मीन अगर कभी भी कोई भी कंपोनेंट्स एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है उस टाइम अगर उसका डेल्टा क्यू निकालना है उसका हीट चेंज निकालना है तो उस केस में आप कौन सा प्रॉब्लम लगाओगे एम एल टू एल का इसी बात पर डिपेंडेबल के अगर हम लोग इसके एंट्रोपी की बात करते हैं है ना कि कोई भी सिस्टम्स अगर हीट को जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस केस के ऊपर उसका एंट्रोपी पर क्या फ़र्क पड़ेगा तो जनरल केस में बात करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस के ऊपर तो जो सॉलिड होगा उसका जो एंट्रॉफी होगा वो बाकी के रिस्पेक्ट में क्या होगा कम होगा है ना जबकि गैसेस का क्या होगा गैसेस का ज़्यादा होगा तो इसी केस पर हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं नोट में लिख लेंगे ये पॉइंट क्या लिखोगे कि जो एंट्रॉफी है किसका गैस का वो सबसे ज़्यादा होगा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से और सबसे कम किसका होगा बेटा सॉलिड का होगा तो देखो बेटा अगर हम लोग इसके एंट्रोपी की बात करते हैं कि जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा आई मीन वेपोराइजेशन सेम केस जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड फ्यूजन है ना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया अब इन दोनों पर किसका एंट्रॉफी ज्यादा होगा सिंपल सी बात है गैसेस के, के ज़्यादा होगा इसी तरीके से अगर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन और लेटेंट हॉप ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा ज्यादा होगी ठीक है तो इस बात को आप समझ सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट चलो तो इसको आप नोट कर लें फिर हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं मैं इसको रब कर देता हूं और इसी बात पर डिपेंडेबल हो अब हम लोगों को डेल्टा क्यू के फार्मूले याद रखने हैं अभी हम लोगों ने जीरो स्लॉप थर्मोडाइनमे के बेस पर दो फार्मूले डिस्कस किए ठीक है थीके? कौन से कौन से देखो पहला डेल्टा क्यू इक्वल एम एस डेल्टा टी एक ये फार्मूला मिला दूसरा डेल्टा क्यू इक्वल एम इन टू एल अब यहाँ पर आप याद रखना हेयर एल क्या होता है एल आपका लेटेंट हीट होता है लेटेंट हीट एम क्या होता है बेटा एम आपका मास होता है लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो ड्यूरिंग फेज काम करेगा किसमें? ड्यूरिंग फेज काम करेगा ठीक है बेटा अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है क्या हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं भी है ठीक है तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग फेज चेंज फेज चेंज एक्चुअली है क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू जो एम एल है ये दो कंडीशंस पर स्टडी किया जाता है एक होता है एम एल टू एल और एक होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एन इन टू एल मतलब जब सब्सटेंस ग्राम में दिया हो तो हम लोग स्मॉल एल लिखेंगे और जब सब्सटेंस मोल में दिया हो तो हम लोग कैपिटल एल लिखेंगे मतलब ये किसके लिए होगा फॉर ग्राम और ये किसके लिए होगा फॉर मोल तो इस चीज़ को आप याद रखना इसी बेस पर डिपेंडेबल होके हम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है बेटा तो इसको नोट कर लो मैं उसको रब कर दिया पॉइंट द इंक्रीजमेंट या आप लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ टेन ग्राम वाटर टेन ग्राम वाटर इफ हंड्रेड कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन ठीक है देखो क्या लिखा है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा अगर टेन ग्राम कोई वाटर है और उसको हम लोग हंड्रेड कैलोरी हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पर दिया है क्या दिया है वैन एंड्रॉफी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है बेटा वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ठीक है तो देखो जरा हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर वेट दिया हुआ है मतलब मास दिया है कितना टेन ग्राम डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया है कितना हंड्रेड कैलोरी एस का वैल्यू दिया है कितना वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या होता है बेटा हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल एम एस डेल्टा टी तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है आपको निकालना क्या है डेल्टा टी निकालना है है ना तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है हंड्रेड है एम का वैल्यू कितना है टेन है एस वन है और डेल्टा टी निकालना है तो फिर अगर डेल्टा टी का वैल्यू निकालना होगा तो क्या बनेगा हंड्रेड अपॉन टेन इट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा टेन डिग्री सेल्सियस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी मतलब हीट हीट रिक्वायर्ड टेन ग्राम आइस टू कन्वर्ट टेन ग्राम आइस टेन ग्राम आइस फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मिस ये कहा गया है इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर हमारे पास कोई एक आइस है ऐसे समझ लो अगर हमारे पास एक आइस है और उस आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया गया स्टीम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना बेटा यहाँ पर आइस का टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस है और स्टीम को कितने में डाला गया है वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में मिस इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में कन्वर्ट करने में आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने में माइनस टेन सी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्ट करने में हमारे पास कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी आई मीन हमें इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है इसके अलावा कुछ गिवन डाटा भी है वो भी देख लो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग किसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है 580 एट्टी कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है आपका एट्टी कैलोरी पर ग्राम ठीक है बेटा तो अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहला पॉइंट सॉल्व कैसे करोगे ये समझना है हाँ क्या लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टेन ग्राम आइस फ्रॉम माइनस टेन डिग्री से स्टीम वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब ये है कि अगर आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाए उस केस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये निकालना है ठीक है लेकिन एक चीज़ समझ लो बेटा कोई भी आइस अगर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पर वर्क कर रही है उसको हम लोग डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते है. मिस क्या होगा वो समझो पहले जो आइस है जिसका अपना टेम्परेचर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस है पहले वो आइस जीरो डिग्री सेल्सियस पर काम करेगी जीरो डिग्री पे आने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगी वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वाटर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा मीन्स स्टेप बाइस प्रोसीजिंग है और ये स्टेप बाइस प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए कि आइस स्टीम में कन्वर्ट कैसे होती है तो देखो जरा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि जो आइस है यहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना है माइनस के टेन डिग्री सेल्सियस और अब ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी अब ये आइस आइस में ही कन्वर्ट होगी लेकिन अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा जीरो डिग्री सेल्सियस राइट अब जीरो डिग्री सेल्सियस होने के बाद जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और अभी भी टेम्परेचर कितना होगा जीरो डिग्री सेल्सियस इसके बाद अब ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा अब ये वाटर बेटा आपका कन्वर्ट होगा वाटर में ही लेकिन उसका टेम्परेचर बदल गया होगा कितना जीरो डिग्री सेल्सियस सॉरी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बाद अब जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा वेपर में कन्वर्ट होगा आई मीन स्टीम में कन्वर्ट होगा और उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब वो कहाँ पहुँचेगा अब वो फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा अब कहाँ पहुँचेगा वो 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो ये चीज़ आपको समझना है देखो जरा माइनस टेन से कहाँ गया जीरो यहाँ पर इसका कुछ क्यू काम कर रहा होगा जीरो से कहाँ गया फिर से ज़ीरो यहाँ पर भी इसका कुछ क्यू काम कर रहा होगा आई मीन अगर ये क्यू है तो ये क्या हो जाएगा क्यू टू मिस चेंज हो रहा है तो हम लोग लिख लेंगे डेल्टा क्यू वन डेल्टा टू इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं मैं इस डाटा को यहां लिख लेता हूं ठीक है एल वी कितना दिया हुआ है फाइव एट्टी और एल एफ कितना दिया हुआ है एट्टी ये वैल्यू आपकी फिक्स है ठीक है बेटा अब मैं रब कर देता हूं देखो जरा आगे का प्रोसीजर क्या है ये हो गया क्यू वन यहां लिख लेता हूं ये हो गया आपका क्यू वन ये हो गया आपका क्यू टू अब जीरो से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ आई I मीन mean, यहां पर भी कुछ एनर्जी काम करेगी क्यू थ्री यहां पर एनर्जी काम करेगी क्यू फोर और यहां पर एनर्जी आपकी काम करेगी क्यू फाइव मिस कहने का मतलब ये है कि जीरो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से स्टीम में कन्वर्ट होने पर टोटल फाइव एनर्जी काम कर रही है है ना फाइव एनर्जी चेंज काम कर रही है अब एक चीज़ और समझ लो हम लोगों ने दो फार्मूले देखे थे कौन से एक था क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और दूसरा था क्यू इक्वल टू एम एन टू एल है ना बेटा इन दोनों फार्मूले पर बेस होकर हम लोगों को निकालना है सबसे पहले एक चीज़ समझ लो यहाँ पर डेल्टा क्यू निकालना है आई I मीन mean, आपको टोटल हीट निकालना है ठीक है और टोटल हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल हीट डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बनेगा डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू प्लस डेल्टा क्यू थ्री प्लस डेल्टा क्यू फोर प्लस डेल्टा क्यू फाइव मिस ये सारे आपके चेंज इन एनर्जी है इतने पॉइंट्स क्लियर है अब देखो क्यू वन क्यू और क्यू और क्यू क्या होगा ये समझना थोड़ा जरूरी है देखो जरा यहाँ पर आइस आइस में कन्वर्ट है ना यहाँ पर आइस आइस में ही कन्वर्ट है लेकिन टेम्परेचर चेंज है हमने आपको बोला था कि जब फेज चेंज ना हो है ना यहाँ पर क्या कोई फेज चेंज हुआ नहीं हुआ इसका मतलब है डेल्टा क्यू वन का वैल्यू किसके बराबर हो गया एम एस डेल्टा टी के लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आइस और वाटर के बीच में फेज चेंज हो गया क्या चेंज हो गया बेटा फेज चेंज हो गया और अगर फेज चेंज हुआ तो उस केस में हम लोग कौन सी एनर्जी का यूज़ करते हैं क्यू इक्वल टू एम एल इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एच क्यू टू इक्वल टू एम इन टू एल अब यहाँ पर क्या हो रहा है आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ फ्यूजन एंथल काम कर रही है है ना कौन सी एंथेल काम कर रही है बेटा डेल्टा एल एफ मींस हम लोग कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो यहां पर फार्मूला क्या बनेगा एम इंटू एल एफ सेम केस वाटर को अगेन वाटर में कन्वर्ट किया गया मीन्स यहां पर फेस चेंज नहीं हो रहा है तो अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है तो फार्मूला क्या होगा चलिए तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हुआ वाटर वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है आई मीन फेस चेंज नहीं हो रहा है अगर फेस चेंज नहीं होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मला लगाएंगे एम एस डेल्टा टी ये दोनों बातें आपको याद रखनी है क्या देखो जब ध्यान से हमने जब ये फार्मूला कैलकुलेट करके आपको बताया था तो इस जीरो लाख के वेस पर हमने अभी तक आपको केवल दो फार्मूले सिखाए कौन से डेल्टा क्यू इक्ल टू एम एस डेल्टा टी और एक आपको सिखाया डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इन टू एल यहाँ पर एम क्या होता है दोनों में मास होता है यहाँ पर ये एस क्या होता है ट्रॉफी होता है या यू कैन से हीट स्पेसिफिक और ये एल क्या है ये एल आपका लेटेंट हीट है तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला कब यूज करना है ड्यूरिंग फेज चेंज ये मैंने आपको कई बार बताया ड्यूरिंग फेज चेंज ओके तो यहां तक समझ आ गया होगा अब देखो अब बारी आती है फिर से Q4 की अब Q4 क्या होगा देखो ध्यान से वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया स्टे में आई मीन फेज चेंज हो गया है ना इन्होंने अपनी स्टेट को चेंज किया इसका मतलब क्यू फोर किसके बराबर होगा एम एल टू एल के अब फिर से एक पॉइंट है क्या यहाँ पर वी एल जो है वो कौन सा है एल वी या एल एफ देखो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया इट मीन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर क्या यूज होगा लेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सो यू विल यूज एम एल टू एल वी अगला पॉइंट क्या है क्यू फाइव अब यहाँ पर क्यू फाइव बेटा क्या होगा क्यू फाइव का वैल्यू है स्टीम को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सी बात है विदाउट फेज चेंज वी कैन यूज डेल्टा टी नाउ यू कैन राइट देख लो हम लोगों को क्या निकालना था टोटल डेल्टा क्यू निकालना था तो टोटल डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू थ्री डेल्टा क्यू फोर और डेल्टा क्यू फाइव रख दो जरा सबके फॉर्मूले यहां पर डेल्टा क्यू वन का वैल्यू कितना है एस डेल्टा टी यहां पर क्या है एम एल एफ प्लस एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल इन वी एम एल वी प्लस यहाँ पर क्या आएगा एम एस डेल्टा टी अब एक्चुअली दस ग्राम की बात चल रही तो एम तो सब में कॉमन है तो सो so दैट आप एम कॉमन ले लो अब क्या बचेगा एस डेल्टा टी प्लस एल वी एल एफ प्लस एस डेल्टा टी प्लस एल वी प्लस एस डेल्टा टी अब एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं ना तो हम लोग डेल्टा टी को बेसिकली चेंज है और चेंज पर डिग्री सेल्सियस और या में कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में ही ले लेंगे ठीक है यूनिट भी डिग्री सेल्सियस में ही फिर आ जाएगा तो देखो बेटा एम का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे पहले एस का वैल्यू देखो यहाँ पर एम एस डेल्टा टी है तो देखो जरा यहाँ पर एस क्या है एस का मतलब क्या है स्पेसिफिक हीट अब आइस को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आइस को आइस में कन्वर्ट करने पर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट फाइव सो यू कैन यूज जीरो पॉइंट फाइव इन टू अब देखो इधर डेल्टा टी का वैल्यू कितना है माइनस टेन से कितना हो रहा है जीरो हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है सिंपल सी बात है टेन का डिफरेंस है टेन ये हो गया पहला पॉइंट प्लस अब बारी आती है एल एफ एल एफ क्या मीन आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है फ्यूजन काम कर रहा है ना तो फ्यूजन मतलब फ्यूज और एल एफ का अब यह क्या है क्यू थ्री क्यू थ्री का है ये क्यू थ्री में क्या एम एस जेल टर्टी एम का वैल्यू तो हमने कॉमन ले लिया अब एस एस का मतलब क्या है वाटर को वाटर में कन्वर्ट किया वाटर को वाटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना दिया है वन दिया है सो so आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वन इन टू अब यहाँ पर डेल्टा टी कितना है जीरो से हंड्रेड वाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो टू हंड्रेड हंड्रेड सो यू कैन यूज ऑल्सो हंड्रेड प्लस हेयर एल वी एल वी मतलब लेटेंट हीट ऑफ बेपोराइजेशन क्यू फोर की बात चल रही है और क्यू फोर में वाटर को किस में कन्वर्ट किया गया है स्टीम में और यहाँ पर एल वी का वैल्यू क्या है लेटेंट हीट ऑफ बेपोराइजेशन फाइव एट्टी तो आप उसको भी यूज कर लो फाइव एट्टी प्लस अगला पॉइंट आता है फिर से एस अब ये एस क्या है स्टीम को स्टीम में कन्वर्ट किया गया स्टीम को स्टीम में कन्वर्ट किया गया मतलब स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है जीरो पॉइंट थ्री थ्री तो जीरो पॉइंट थ्री थ्री इन टू अब यहां पर एनर्ज डेल्टा टी कितना है वन ट्वेंटी था यहाँ हंड्रेड माइनस करेंगे कितना आएगा ट्वेंटी मीन्स यहाँ पर आ गया ट्वेंटी बस बेटा इसको कैलकुलेट करना है इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा देख लो एम ऐसे ही रखते हैं जीरो पॉइंट फाइव को टेन मल्टीप्लाई करेंगे फाइव प्लस एट्टी प्लस यहाँ पर कितना जाएगा हंड्रेड प्लस फाइव एट्टी प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो थ्री टू जो सिक्स थ्री टू जो सिक्स फाइनली सिक्स पॉइंट सिक्स यू कैन यूज इट कैसे एम इंटू फाइव और हंड्रेड और एट्टी वन एट्टी और फाइव वन एट्टी फाइव वन एट्टी फाइव प्लस फाइव एट्टी और सिक्स एड कर दो फाइव एट सिक्स पॉइंट सिक्स फाइनली हम लोग एम का वैल्यू डाल देंगे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बनेगा एम इन टू इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉरी इन दोनों का एडिशन कर दो सिक्स और फाइव इलेवन और एट एट सिक्सटीन वन सेवनटीन फाइव वन सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स नाव एम इक्वल टू टेन तो आप यहाँ पर लिख दो टेन मल्टीप्लाई वाई सेवन सेवन वन पॉइंट सिक्स फाइनली डेल्टा की इक्विटी कितना आ गया बेटा सेवन सेवन वन सिक्स पॉइंट जीरो आप इसको यूज कर सकते हो अब ये आपका क्या आ गया टोटल हीट रिक्वायर्ड इसका मतलब क्या हुआ आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों को सेवन सेवन वन सिक्स कैलोरी की जरूरत पड़ेगी है ना यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा कैलोरी नोट कर ले बेटा हाँ अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं कैसे देखो मैं इधर पे इतना रब कर देता हूँ है ना और हम लोग ग्राफ के थ्रू किस तरीके से शो करेंगे वो देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे है ना देखो जरा क्या है टेम्परेचर्स की और एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाना है क्या किया गया इस तरीके से मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया यहां पर आइस रखी जिसका टेम्परेचर कितना है माइनस के टेन डिग्री सेल्सियस देखो जरा टेन डिग्री सेल्सियस से आइस को किस में कन्वर्ट किया गया जीरो डिग्री सेल्सियस पे मान लो ये वाला पॉइंट आपका क्या है बेटा जीरो डिग्री सेल्सियस इट इज जीरो डिग्री सेल्सियस तो ये जो आइस है ये किस में कन्वर्ट हुई जीरो डिग्री सेल्सियस में ठीक है अब जीरो डिग्री के बाद आइस किस में कन्वर्ट हुई वाटर में लेकिन टेम्परेचर कितना है जीरो है इट मीन यहां पर मान लो क्या बन गया वाटर बन गया आफ्टर दैट टेम्परेचर कितना हुआ हंड्रेड मीन्स जीरो से टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया हंड्रेड हमने मान लिया ये आपका हंड्रेड हो गया राइट right? और यहाँ पर क्या है वाटर है यहाँ पर क्या है वाटर है यहाँ पर क्या है आइस है ठीक है अब वाटर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया स्टीम में कन्वर्ट हो गया ठीक है बेटा तो देखो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कितना है जीरो है ना और यहाँ पर वाटर कितना हो गया हंड्रेड मैं यहाँ पर इस तरीके से लिंक कर देता हूँ ये आपका हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हो गया और अब वाटर किस में कन्वर्ट हो गया मेरा स्टीम में देखो हंड्रेड पे अब वाटर में किस में कन्वर्ट हुआ स्टीम में तो ये पॉइंट किसका होगा स्टीम का, इस का। इसके बाद अब किस में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर वन ट्वेंटी तो यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा दैट इज कॉल्ड वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मिस कहने का मतलब ये हुआ कि हम ग्राफ के थ्रू भी इन सारे पॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं अब आपको समझना क्या है यहाँ से यहाँ पर जब कंसेप्ट काम करेगा दैट इज कॉल्ड क्यू वन डेल्टा क्यू वन यहाँ से यहाँ कन्सेप्ट काम करेगा दैट इज कॉल्ड क्यू टू यहाँ से यहाँ काम करेगा तो Q3, थ्री यहाँ से यहाँ काम करेगा तो Q3, थ्री ओ क्यू और यहां से यहां काम करेगा तो Q5, और ये क्या है ये भी आपका स्टीम है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इस तरीके से हम लोग इसकी स्टडी भी कर सकते हैं तो आपको समझ आ गया होगा हाँ यहां तक हम लोगों ने जीरो फ्लो थर्मोडाइनो को कंप्लीटली फिनिश कर दिया ठीक है और इस के अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स की बात करेंगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने जीरो थ्लॉप थर्मोडानो स्टडी कर लिया हाँ एक चीज़ और कि अगर मैं चाहूँ ऐसे दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूँ और आपकी वीडियो की लेंथ बढ़ा दूँ ठीक है लेकिन ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है वीडियो की लेंथ बढ़ाने का फाइनली मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा ये आप लोग एक बार नहीं दो बार देख लो दो बार नहीं चार बार देख लो बट देख जरूर लो और चीज़ों को समझ लो इसी से रिलेटेड इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा जिसमें मैं सोल्यूशन के थ्रू ही डालूंगा उसमें क्वेश्चन भी दिया है सोल्यूशन भी दिया है क्वेश्चन भी दिया है सोल्यूशन भी, भी दिया है लेकिन आप उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के सोल्यूशन देख लो बात खत्म कर दो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी ठीक है बेटा चलो तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ये कंप्लीटली कंसेप्ट किस पर बेस्ड था जीरो थ्लॉफ थर्मोडानेमिक्स पर तो जीरो थ्लॉफ थर्मोडाइनमिक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एक तो हीट पर दूसरा एंट्रोपी पर ये हम लोगों ने पढ़ लिया इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में Uh, या क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अब क्यों प्रॉब्लम है गॉड नोज मैं नहीं जानता लेकिन कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो फिर मैं इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूँ ठीक है लेकिन फिलहाल आप लोग चीज़ों को समझ जरूर लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाँ अब मैं क्या कहना चाह रहा था अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने जीरो स्लॉप थर्मोडायनोमिक्स के बारे में बताया और जीरो स्लॉप थर्मोडायनोमिक्स के मैंने दो पार्ट बनाए पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट वन में हम लोगों ने क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी तक डिस्कस किया था और पार्ट टू में हम लोगों ने क्यू इक्वल टू एम एल के बारे में समझा मीन्स इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में समझा मैं इस पूरे कंसेप्ट का पी डी एफ लिंक में डाल दूंगा सो so दैट आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं पी डी एफ डाल दूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे तो बस आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही थी अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइन की बात करेंगे वर्क डन की बात करेंगे वगैरह वगैरह है एक आपको अमेजिंग चीज़ बताता हूँ क्या अमेजिंग चीज़ बताता हूँ जीरो फ्लॉफ थर्मोडाइनोमिक्स का फाउंडर कौन है ना शायद ही आप लोगों को किसी बुक में मिले लेकिन फिर भी सुन लो जीरो फ्लॉफ थर्मोडाइनोमिक्स के बारे में सोमर फील्ड ने बताया था किसने सोमर फील्ड ने लेकिन सोमर फील्ड ने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था बाकी मैक्सवेल ने इस थ्योरी को पूरा कन्फर्मेशन दिया था तो ये दोनों के बीच में कंट्रोडिक्शन है आप एक बार इसको रीड जरूर कर लें अगर कहीं मिलता है तो अगर कहीं ना मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डेफ इंफॉर्मेशन डाल के रखी है आप लोग रीड कर सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं ना चलो बेटा ओके बाय टेक केयर